तो आज एक नए पैसे से शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग आप लोगों के आंसर भी चेक करने वाले हैं होमवर्क भी चेक करेंगे एक बार मुझे याद ही सभी लोग कि मैं मुझे होमवर्क चेक करना है ठीक है डेली क्लास हो रही है अभी फिलहाल प्रियंका चले शुरू करें चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहां से शुरू करेंगे चलिए तो यहां शुरू करते हैं किंग हम्म hmm, ठीक है अलका पूजा गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास गुड मॉर्निंग यस चलिए सभी लोग आ जाइए फटाफट -फ़्ट। और शुरू हो जाइए हाँ प्रियंका अभी फिलहाल देखिए टॉपिक वाइज क्लास चलती है हमारी रीडिंग कॉम्पिटिशन वाइज अभी क्लास चल रही है और ये अभी डेली चलने वाली है ठीक है अलका थोड़ा भी हमारे चैनल पे आपको पता ही उथल पुथल चल रहा है चलिए शुरू करें लीडर तो हमारी थी वो फिलहाल अभी नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होता है कैसे कौन इसको मैनेज करेगा कोई तो आएगा उनके बदले में जो इस चीज़ को मैनेज करेगा ठीक है आप टेंशन ना लो योगेंद्र वेलकम टू क्लास कैसी तबियत है आपकी चले शुरू करें यस चलिए तो देखिएगा यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है समझिएगा एक कहानी है ये फिर से स्टोरी बेस्ड पूरा का पूरा पैसेज होने वाला है स्टोरी बेस्ड बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होने वाली है इसके अंदर ठीक है देखिए किंग होतेम्सन किंग होथमसन फेल्ट ही हैड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ड्यू टू हिज राइच राइचस मतलब वेल्थ राइचस मतलब क्या होता है वेल्थ होता है एंड हिज नोबल नाइट्स बट बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटिफुल क्वीन समझिएगा रानी मत्स्य uh, अब क्या हो रहा है बात क्या चल रही है यहां पर मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ठीक है सभी लोग आ चुके हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है राजा था है ना आ, र, राजा है ना राजा जो था उसे ऐसी फीलिंग आती थी कि वो दुनिया में सब कुछ है उसके पास है ना हीथिंग इन द वर्ल्ड बस इसीलिए नहीं कि उसके पास बहुत सारा वेल्थ था इसलिए लग रहा था उसे उसे लग रहा था मतलब उसके पास बहुत सारे नाइट्स थे मतलब अच्छे योद्धा थे उसके पास इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत महारानी थी एक रानी थी उसकी अपनी खुद की रानी थी रानी मत्स्य नाम से ठीक है अभी रानी मत्स्य होगा नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रानी मत्स्य है ना ये दिमाग से बहुत तेज है सन वर पुट टू शेम विद लाइट दैट मत्स्य इल्यूमिनेटेड ठीक है आप समझिएगा कहने का मतलब है कि जब सन का लाइट आता है ना एक कहावत है ऐसा कि सन सूरज की जो किरणें है ना वो भी शेम में शर्म से झुक जाती है उसके खूबसूरती के कारण है ना जो लाइट उस रानी मत्स्य से निकलता है, है ना मतलब लाइट का मतलब खूबसूरती को लेकर बताया गया है उसके सामने सूरज की भी किरणें जो होती है ना वो भी शर्मिंदा हो जाती है ठीक है मतलब इतनी खूबसूरत थी वो ये कहने का मतलब है बहुत ज्यादा खूबसूरत विद हर ब्यूटी एंड ब्रेन लिखा है ना इसमें विद हर ब्यूटी एंड ब्रेन मतलब मतलब क्या हो गया आ, मतलब यही है कि उसके पास वो बहुत ही खूबसूरत भी थी और दिमाग भी था उसके पास ठीक है आप समझिएगा ब्यूटी विद ब्रेन एक होता है फ्रेज होता है है ना उसका मतलब क्या होता है जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो बनती हैं उनके पास ब्यूटी भी होता है ब्रेन भी होता है है ना आप सभी को पता है ना मानो से चिल्लर ले लीजिए या फिर जो भी ले लीजिए आप सभी के पास ब्यूटी विद ब्रेन होता है मतलब कि दिखने में बहुत खूबसूरत होती है और दिमाग भी बहुत अच्छा खासा होता है इंटेलिजेंस होता है ठीक है एट द राइट हैंड ऑफ द किंग शी वॉज नोन टू सेट है ना राइट right, मतलब राजा के दाहिने हाथ पे बैठने का उसको मतलब उसको जाना जाता था कि राजा के राजा के दाहिना हाथ है वो किंग, वो किंग की क्वीन तो है ही साथ साथ वो दरबार में भी राजा के राइट हैंड साइड में बैठती है और राजा को बहुत सारे फैसलों में हेल्प करती है एंड एड एड का मतलब हेल्प करना हिम इन ऑल हिज का मतलब क्या होता है इन्वेस्टिगेशन लिखिएगा अगर आप लोग को नहीं पता है तो लिख लीजिए इन्वेस्टिगेशन प्रो मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियल मामलों में फैसले सुनाने में वो हेल्प करती थी यू कड नॉट स्केप हर डीप सेट आईज है ना आप उसकी कहते ना कि निगाहों से बच नहीं सकते वेन यू कमिटेड अ क्राइम एज शी ऑलवेज न्यू द विक्टिम एंड कल्परेट है ना जैसे कि उसको पहले से ही पता होता था कि कौन विक्टिम है मतलब किसको आ, किसको प्रॉब्लम हुई है और किसने बदमाशी की है ये बस पत सबको पता उसको पहले से पता रहता था ठीक है ऐसा ऐसा फील होता था मीन शी वॉज सो इंटेलिजेंट ऐसा कहने का मतलब है ऐसा कोई जादू था नहीं उनको पहले से पता नहीं होता था लेकिन वो इंटेलिजेंट थी तो पता लगा लेती थी ठीक है हर हर प्रोसीडेड रेपुटेशन इन द किंगडम वो इतनी ज्यादा जेनरस थी लोगों से बातों करने में कोई ऐसा कहता है ना कि घमंड या कुछ ऐसा नहीं था नेगेटिव बिहेवियर नहीं था बहुत ही शानदार बिहेवियर था उनका इसलिए सभी के दिलों पर राज करती थी एंड हर हैंड्स वर ऑलवेज फुल टू गिव पीपल इन द किंगडम रिवर्ड रिवर्ड हर बिकॉज शी शी टू आ, के। देख क्या कहने का मतलब है कि वो हमेशा दोनों हाथों से अपनी जनता में कहते हैं खुशियां बांटती थी अगर गरीब किसी को कुछ चाहिए ना जरूरत पड़ती थी तो वो देने के लिए तैयार रहती थी जहां से वो गुजरती थी सभी लोग जो भी गरीब आदमी थे या जो भी लोग थे ना उनके स्वागत में लगे रहते थे ठीक है मतलब समझिए एक राजा की जो रानी है ना वो सभी को समझ रही है और आई थिंक आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा राजमाता को राजमाता जो चलती है ना तो लोग क्या करते हैं वहां के उनके सब्जेक्ट होते हैं ना उनके रास्ते में फूल को गिराते हैं ठीक है ठेके? तो वही उसी तरह से कुछ था यहाँ पे भी ठीक है देखिए पार अवे फ्रॉम द किंगली पैलेस लिव्ड अ मैन मतलब एक जगह है जो महल से बहुत दूर है वहां पे एक आदमी रहता था ठीक है नेम्ड रमन रमन नाम का एक आदमी था वो क्या करता था वो अपनी पोएट्री लिखता था ठीक है अब पोएट्री में कुछ सुधार नहीं करता था बस वही पोएट्री करता रहता था रमन वॉज रेक्ड विदर्टी एज हीज लैंड टू द लैंड लॉर्ड वो परेशान हो चुका था बहुत ज्यादा कहते ना उस बस कुछ नहीं बचा था क्योंकि सारे के सारी जमीने उसकी लैंड लॉर्ड में लैंडलॉर्ड ने छीन ली थी है ना कहते हैं ना वो आ, गरीब था उसका कर्ज वगैरह चल रहा होगा उसमें लैंडलॉर्ड सारा उसका जमीन ले लिया हिज एज अनेबल्ड हिम लिटिल टुवर्ड्स मैनुअल लेबर मतलब उसका एज ऐसा था कि उसको फिर वो लेबर काम करना शुरू करना पड़ा है ना यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग नया भी जुड़ रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से है ना एंड सो बेगिंग वाज द ओनली वंस अगेन हिज

पालन पोषण करने के लिए उसके पास लेबर काम करना और साथ में भीख मांगना उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था एवरी मॉर्निंग वो जाता था और घर घर जाकर वहां पर जाकर उनसे काम मांगता था कपड़े काम मांगता था खाना मांगता था पैसे मांगता था द काइंडनेस ऑफ द पीपल ऑलवेज गॉट हिम इनफ टू टेक होम है ना और हमेशा जो लोग थे वहां पे जिनसे वो जाता था मांगने के लिए इस गांव में वहां पे हर आदमी इतना अच्छा नोवल था इतना अच्छा कहते हैं ना बड़ा काइंड सा था कि वो जब भी मांगने जाता था तो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना तो कुछ लेकर आता था बट रमन अ लिटिल सेल्फ सेंटर्ड रमन जो था वो कैसा था वो सेल्फ सेंटर्ड था समझिएगा सभी लोग सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो सेल्फिश हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो पहले अपने बारे में सोचेगा उसके बाद दुनिया के बारे में सोचेगा है ना देख क्या करने वाला है वो कैसे वो सेल्फ था वो बताएगा हिज वर्ल्ड बिगेन विद हिम फर्स्ट उसका उसकी दुनिया जो थी ना वो खुद के साथ शुरू होती थी फॉलोड बाई हिज फैमिली एंड द रेस्ट उसके बाद उसकी फैमिली आएगी उसके बाद बाकी लोग आएंगे सो ही वुड ईट एंड ड्रिंक टू हिज डिलाइट एंड रेस्ट रेस्ट है ना एक एक सेकंड सेकंड रिटर्न रिटर्न सॉरी सॉ यहाँ पे रिटर्न है ये गैप हो गया रिटर्न होम विद विवर ही फाउंड एक्सेस क्या करता था वो मांगने जाता था और जो भी खाने को मिलता था पहले वो खुद खा लेता था खुद पी लेता था उस पर जो बसता था ना वो लेकर अपने घर जाता था दिस रूटीन फॉलोड एंड ही नेवर लेट एनी वन डिस्कवर हिज इंटरेस्ट एज ही ऑलवेज पुट ऑन अ लॉन्ग फेस वेन ही रीस्ट होम जब भी वो घर पहुंचता था तो ऐसा दुखीदा फेस बना के पहुंचता था जैसे किसी को पता ही ना चले कि वो तो पेट भर के खाकर आया है है ना बस मैं सभी को अब देखिएगा क्या हो रहा है कह रहा है वन डे एक दिन कैसा क्या होता है एज ही वॉज रियलाइजिंग द बोल ऑफ राइस ही हैम्बल होम है ना भाई उसको ना एक बाउल ऑफ राइस मिला ठीक है एक बाउल जानते सभी लोग ना बाउल एक तरह का एक बर्तन होता है उसमें उसको उस, उस पूरा बाउल भर के एक राइस एक जगह से मिलता है ही हर्ड दानी मत्स्य वॉज टू पास फ्रॉम द्लेस ही ठीक है और उसे पता चलता है कि जो रानी मत्स्य है ना वो वहां से गुजरने वाली है अब देखिये हम लोग पहले भी जानते हैं रानी मत्स्य जहा से गुजरती थी ना वहाँ गरीबों को बहुत सारा क्या दान देती थी ताकि गरीब लोग अच्छे से रह सके हर जनरसिटी है ना

एक पूरा का पूरा बैग मुझे दे, दे देंगे सोने का गोल्ड कॉइन से सोने के सिक्के से भरा हुआ मुझे पूरा बैग दे, दे देंगी इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जो कि मेरे आने वाले लाइफ के लिए ना क्या होगा काफी हो जाएगा ठीक है एवरीवन क्या हो गया भाई चलिए आगे बढ़ते हैं इनफ टू बाई फूड होगा गोल्ड कॉइन होगा वो खाना खरीदने के लिए भी सही होगा आ, मतलब फॉर हिमसेल्फ उसने सोचा कुछ पैसे देगी पैसे भी आए नहीं है क्वेंस अभी आए नहीं है लेकिन पहले से ये थोड़ा दिमाग लगा रहा है कहाँ पे कहा खर्च करूंगा एंड ओनली रिवील अज वाइफ उसने सोचा कि मैं लगभग कुछ पैसे अपने पास रख लूंगा अपने खुद जो गोल्ड क्वेंस होंगे ना खुद अपने पास छिपा कर रख लूंगा और बाकी के पैसे वाइफ को दिखा दूंगा सो ही कैन फुलफिल हिज ओन विशेस है ना ताकि वो अपने खुद के विशेस भी फुलफिल कर सके ही रैन टू द चैरियट चैरियट मतलब जो रथ था रानी का उसके बाद उसके तरफ दौड़ता है चैरियट ऑफ रानी एंड बैग दर सोल्जर्स टू अलाउ हिम टू स्पीक टू द क्वीन है ना वो वहां के जो सैनिक थे उनसे बोलता है कि मुझे रानी से बात करने दें लिस्निंग टू द आर्गूमेंट आउटसाइड रानी मत्स्या ओपन द कर्टेन्स है ना मतलब पर्दे को हटाई चैरियट के अंदर पर्दा होता था ना उस पर्दे को हटाकर बाहर देखती है कि कौन ये आर्गुमेंट कर रहा है ऑफर चैरियट एंड आस्ट रमन वॉट ही वॉन्टेड वो पूछता है क्या चाहिए आपको वो पूछती है रानी पूछती है रमन से बताओ तुम्हें क्या चाहिए रमन वेंट ऑन हिज नीज एंड प्रेज द क्वीन रमन क्या करता है अपने घुटनों पे बैठ जाता है और रानी की जयकार करता है है ना ही ठीक है अब देखिए अब वो क्या बोलता है झुक कर घुटने में बैठ कर बोलता है रानी को कि भाई मैंने सुना है कि आप जो है बहुत ज्यादा जेनरस है बहुत ज्यादा दयालु है तो भाई आप ना इस गरीब इस भिखारी को कुछ चैरिटी दे है ना कुछ दान दे है ना ठीक है अब देखिएगा रानी नैरोड हर ब्रोज़ मतलब अपने आईब्रोज को वो नैरो करती है अच्छा ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है एंड आस्क्ड रमन व्हाट ही कुड गिव हर इन रिटर्न अब देखिए अब क्या होता है कि वो ना रानी उसको देखती है थोड़ा शक होता है फिर वो आ, उसको बोलती है कि तुम बदले मुझे क्या दोगे सरप्राइज बाई सच अवेशन रमन लुक्ट एट हिस्स बाउल फुल ऑफ राइस है ना वो वो सब बस बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ है कि भाई क्या पूछ रही रानी मुझसे है ना और फिर वो देखता है आपने की भाई मुझे मेरे पास क्या है तो मेरे पास एक बाउल है जिसमें राइस भरा हुआ है विद स्पाइट इन हिम विद स्पाइट इन हिम

What is due to you? Saying this, the chariot galloped away. कहने का मतलब है कि वो देखती है कि भाई इसके पास पूरा फुल ऑफ राइस था बाउल बाउल जो था फुल ऑफ राइस था फिर भी इसने कुछ दाने ही दिए हैं पांच दाने दिए हैं तो फिर वो बोलती है कि तुमने जो दिया है मुझे उसके बदले में जो मुझे देना है ना वो बकाया रहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा ठीक है ये बोलकर वहां से चली जाती है अब देखिए रमन अब हर अंडर हिज ब्रेथ रमन जो था अपने मन में उसको गाली देना शुरू कर देता है बुरा उसे लगा था पूरा बैग मिलेगा सुने का लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है ठीक है हाउ हिम फॉर समथिंग इन रिटर्न कैसे वो मांग सकती है कुछ बदले में वेन शी है उसने कुछ दिया भी नहीं बाउल ऑफ राइस जस्ट देन ही सो अर सैक एट दिखती है कि वो देखता है कि जाता है वो घर और अपनी वाइफ को देता है वो राइस और देखता है कि उसने घर के एंट्रेंस में ना एक बॉडी रखी है बैग रखा है ठीक हैड कम एंड कैप्टिट देयर उसकी वाइफ ने कहा कुछ लोग आए थे वो यहाँ रख के गए हैं है ना ही ओपन इट टू फाइंड इज इट फुल ऑफ राइस ठीक है अब वो देखता है कि वही वो, वो जो बॉडी था उसके अंदर वो पूरा का पूरा सोना मतलब राइस भरा हुआ था ठीक है ही पुट हिज हैंड इन साइड एंड कॉट होल्ड ऑफ अ हार्ड मेंटल ओनली टू डिस्कवर इट वॉज अ गोल्ड कॉइन उसे लगा था कि भाई वो, वो उसमें गोल्ड कॉइन होगा लेकिन उसमें राइस था उल थॉट रमन आई वुड हैड सैक ऑफ फुल ऑफ गोल्ड ओके देखिएगा बोल रहा है कि उसने जब पूरे बॉडी को पलट दिया ना तो उसमें राइस था और राइस वह चार सोने के सिक्के थे पांच सोने के सिक्के थे क्योंकि पांच उसने आ, उसको जो ग्रेन दिया था उसको राइस दिया था इसीलिए पाँच सोने के सिक्के थे ठीक है एवरीवन? तो अब ये चीजें थी तो उसे क्या लगता है <coughs> उसे लग यही लगता है कि भाई आ, अगर मैंने पूरा बोल ऑफ राइस दे दिया होता तो मुझे आज पूरा बैग भर के सोना मिला होता ठीक है अब आइए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट रानी मत्स्या के कैसी थी आप मुझे बताओ शी वॉज ब्यूटिफुल शी वॉज इंटेलिजेंट शी वॉज काइंड से कोई बताइए सभी लोग क्या थे ब्यूटिफुल थी इंटेलिजेंट थी काइंड थी, थी या फिर यहां से बताइए सिर्फ ब्यूटिफुल uh, थी सिर्फ इंटेलिजेंट थी सिर्फ काइंड थी ब्यूटिफुल और इंटेलिजेंट uh, थी या फिर ऑल ऑफ द थ्री सारे के सारे गुण थे उनके अंदर इसमें दिखाया गया ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट तो है ही साथ में वो अपने प्रजा के लिए बहुत दयालु भी थी बार बार ये वर्ड वर्ड बोला गया बीच में तो हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द थ्री ऑल ऑफ द थ्री ठीक है एवरीवन अब आते हैं थर्टी में वट डज द फ्रेस पुल्ड अ लॉन्ग फेस एज यूज इन द पैसेज मीन पैसेज में यूज किया गया पुल्ड अलॉन्ग फेस का मतलब क्या था बताइए स्क्रैच हिज फेस लुकड वेरी सोरोफुल

बी बीलड़ा सबको लुकड वेरी सॉरीफुल दैट्स करेक्ट वेरी गुड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर थर्टी फर्स्ट को बताइए वॉट कैन पॉसिबली बी द मोरल ऑफ द स्टोरी है ना इस uh, स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है बी लग रहा है सबको तो तो में क्या आंसर लग रहा है थर्टी फर्स्ट में वॉट कैन पॉसिबली बी द मॉरल ऑफ द स्टोरी डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड अदर्स टू डू टू यू है ना मतलब दूसरे के लिए आप उतना ही करो जितना आप चाहते हो कि दूसरा आपके लिए करे पेशेंस इज अ वर्च्यू विनिंग इज नॉट एवरीथिंग इट इज द जर्नी दैट काउंट्स चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ टीम वर्क इज मोर वी एंड लेस मी अच्छा पेशेंस इज अ वर्च्यू ऐसा क्यों लग रहा है आपको लव पेश रखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है अगर उसने पेशेंस रखा भी होता और उसने पांच के बदले सारे के सारे बाउल पूरा दे दिया होता तो ही उसे मिलता इसका मतलब हमने यही देखा है इसमें इस सीखा है उसने पांच दिए तो बदले में उसे भी पांच मिले है ना पांच राइस दिया तो पांच गोल्ड मिला है है ना तो यहां पे क्या एक्चुअली कि आपको वो करना चाहिए जो दूसरों से आप एक्सपेक्ट करते हो आप चाहते हो कि लोग आपको आपको माने आपकी आपकी हर बात मानेंगे या फिर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करें तो आपको भी अच्छे से बिहेव करना होगा तभी वो करेंगे आप अगर बुरा बिहेव करोगे तो कोई अच्छा बिहेव नहीं करेगा आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू में आते क्या होगा बताइए वाई वॉज बेगिंग द ओनली ऑप्शन फॉर रमन टू गेट फूड क्यों बैगिंग ही एक ऑप्शन था उसके पास रमन के पास खाना के लिए एज रमन बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेगर्स क्या वो भिखारियों के फैमिली से बिलोंग करता था एज बेगिंग वॉज द इजीएस्ट वे फॉर हिम टू ऑपटेन फूड खाना प्राप्त करने के लिए उसके पास भीख, भीख मांगना ही सबसे आसान रास्ता था एज रमन की फैमिली ने फोर्स किया था, क्या था मांगो एज ही प्रॉपर्टी एंड वॉज टू ओल्ड टू डू मैनुअल वर्क क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हो चुका था सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी और वो मैनुअल वर्क करने के लिए भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था होगा यही स्टार्टिंग में लिखा था लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी लैंड लैंड के पास चली गई है ना इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा भीखी मांगना पड़ेगा उसको हो okay. गया नहीं नहीं उसको सिर्फ भीग मांगने मतलब सबसे आसान रास्ता नहीं लगा उसे आसान रास्ता पर उसमें लिखा था स्टार्टिंग में ही कि उसने सारे अपने जमीने अपनी प्रॉपर्टी वो क्या हुआ है अपने ब्लैंड के के हाथों तो खो दिया है ये कहने का मतलब चाहिए थर्टी थ्री में आते हैं बताइए थर्टी थ्री में क्या होगा मेजर क्लास में आई है ओके अजीत वेलकम टू द क्लास विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज टू डेस्क्राइब रमन रमन को डेस्क्राइब कीजिए डिसीट सेल्फिश या टिमिट या तीनों में से कौन कौन, कौन सा होगा ये बताइए मतलब वो क्या धोखेबाज था क्या वो सेल्फिश था क्या वो घरेलू टाइप का था मतलब कंट्रोल में रहने वाला देखिए सेल्फिश था सभी को पता है ये तो सब बड़ा सच है भाई वो सेल्फिश था उसने धोखा दिया नहीं किसी को है ना तो वैसा कुछ बोल नहीं सकते तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यस दैट्स करेक्ट व्हाट डिड रमन फाइंड आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम हिज मीटिंग विद रानी मत्स्या रानी मत्स्या से जब वो uh, मिलकर वापस घर आता है तो क्या देखता है उसे क्या मिला रानी के सोल्जर मिलते हैं खाली घर मिलता है या पांच फाइव ग्रेन्स ऑफ राइस दैट ही हैड गिवन टू रानी मत्स्य क्या वो पांच दाने मिल जाते हैं राइस के या फिर सैक फुल ऑफ राइस एंड फाइव गोल्ड क्वेंस एक बोरी मिलती जिसमें चावल बड़ा होता है और साथ में पांच सोने के सिक्के होते हैं क्या मिला यस वेरी गुड डी ऑप्शन द राइट आंसर अ सैक फुल ऑफ राइस एंड फाइव गोल्ड कॉइन्स चलिए अब बताइए गैलोब का मतलब क्या होता है मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोग को ना होमवर्क भी चेक करूंगा बताइए क्या आंसर होगा इसमें गैलोब्ड वर्ड यूज किया गया था कहां पे यूज किया गया था याद है किसी को रानी को लेकर यस नहीं जम्प्ड नहीं रैन चले जाना वहां से रेवर्ड का मतलब क्या होता है देखिए आपको सारे वर्ड्स में दिखा देता हूं पैसेज में देखिए से चला गया है ना गैलोप्ड गैलोप्ड है रेवर्ड देखिए वर्ड आपको स्टार्टिंग में ही मिला था देखिए रेवर्ड है रेवर्ड हर है ना पीपल ऑफ द किंगडम रेवर्ड हर बिकॉज शी पास बाय शी ऑलवेज गेव टू कंपैशनेट एंड पुअर है ना हमेशा वो अपने गरीब प्रजा में कुछ ना तो कुछ बांटती रहती थी जहां जाती थी वहां से अब बताइए रेवर्ड की मीनिंग क्या है इसलिए लोग उसको रेवर्ड करते थे रेवर्ड करना मतलब क्या करना बताइए क्या आंसर होगा रेवर्ड का क्या रिमेम्बर याद रखते थे एम्ब्रेस प्यार से गले लगाते थे डरते थे रेस्पेक्ट करते थे या फिर उसके बाद करते थे क्या करते थे तो भाई वो जहां से गुजरती थी ना वो सबको कुछ न कुछ देती थी इस कारण से गरीबों में कुछ न कुछ बांटती थी इसलिए उसकी रेस्पेक्ट करते थे है ना चलिए बताइए रिवील, रिवील के लिए बताइए यहाँ पे आपको चाहिए क्या एंटनिम चाहिए यहाँ पे बताना है दोनों में रिवील करना मतलब सबके सामने ले आना कहते हैं ना छिपी हुई चीजों को बाहर ले आना सबके सामने उजागर कर देना उसी को बोलते हैं रिवील करना तो रिवील का मतलब क्या हो गया यहां से और यहाँ पे और एंटोनिम बताना है एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है देखिए यहाँ पे स्टॉप मतलब रोकना होता है ये आंसर नहीं होगा पेंडिंग मतलब भी इन द प्रोसेस होता है वो भी नहीं होगा टेल का कोई सेंस नहीं बनता प्रेजेंट का कोई सेंस नहीं बनता है कंसील का मतलब होता है छिपाना मतलब हाइड करना ठीक है कंसील मतलब छिपाना रिवील मतलब सबके सामने लाना और कंसील मतलब छिपाना तो आंसर क्या मिला सभी को एंटेनिंग चाहिए उल्टा ऑपोजिट मीनिंग चाहिए तो बी इज द राइट आंसर है ना अब इलेटेड इसका मतलब बताइए सभी लोग मतलब होता है एक्साइटेड खुशी से कहते हैं खुशी से एक्साइटेड हो गया कोई आदमी क्या हो गया केजीएमयू के डेट uh, में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या इलेटेड मतलब क्या होता है एक्साइटमेंट विपिन क्या हो गया आपको आरसी है रीडिंग कॉम्पिटिंशन क्या हो गया समझ में क्यों नहीं आ रहा बहुत कम क्यों समझ में आ रहा देखिए इसका मतलब होता है एक्साइटेड एक्साइटेडेड मतलब एक्साइटेड है ना खुशी में तो इसका इस, ये ये सिनोनिम हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका एंटोनिम क्या होगा इसका एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड चले एक नया पैसेज है यहाँ पे उसके पहले मैं होमवर्क चेक कर लेता हूं आप सभी के मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था देखिए यहाँ पे इन्होंने आंसर किया है जूलन ने वेरी गुड जूलन एंड वेरी नाइस आपने सारे आंसर कर दिए हैं मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आंसर किया है योगेंद्र ने थैंक यू सर नाइस क्लास एंड सॉरी सर कोई बात नहीं इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं क्या देखिएगा यहाँ पे तीन लोगों ने आंसर किया है बाकी लोग कहाँ रहेगा भाई सभी कौन से करना है ऐसा नहीं किसी को रोकना है सभी कौन से करना है ओके मिशा समझिए डिप्रेस्ड कैसे होगा क्योंकि हमें एंटनिम चाहिए क्या चाहिए एंटोनिम एंटोनि का मतलब होता है हमें ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड चाहिए ठीक है इलेटेड मतलब होता है खुशी से एक्साइटेड हो जाना है ना मतलब खुशी वो फील सामने वाला जो है ना वो खुश है खुशी फील कर रहा है है ना अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास पुअर गरीब का कोई सेंस नहीं बनता है खुशी है तो दुखी होना चाहिए ना कोई दुखी होता है तभी ना डिप्रेस होता है है ना खुशी कोई खुश होता है तो वो एक्साइटेड होता है और दुख होता है किसी को तो वो डिप्रेस होता है चाहिए, चाहिए था वो बोल नहीं सकते डरने का कोई सेंस यहां पे है नहीं गरीब का कोई सेंस है नहीं ग्राउंडेड का सेंस है नहीं हैप्पी तो हो गया तो फिर हमारे पास एक ही वर्ड बसता है डी दैट इज डिप्रेस ओके दिस इज यू न्यू क्लास मतलब यू आर न्यू स्टूडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ओके okay. कोई बात नहीं कोई बात नहीं आज चले आगे बढ़े यहां पे हमारे पास और भी एक क्वेश्चन एक पैसेज और कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है शुरू करें सभी लोग रेडी है ना चलिए शुरू करते हैं शुरू करेंगे राहुल अंग हाउस होल्डर यूज टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स एवरी डे अंडर अ गुरु एक गुरु के पास जाता था वो और वो हिंदू के पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ता था है ना वन डे द गुरु वॉज एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द उपनिषद है ना उपनिषद आपको सभी को पता है ना एक ग्रंथ है जहां से एक पैसेज को एक्सप्लेन कर रहे थे उनके गुरु उनको ठीक है यस नो हजब इज लव्ड बाई हिज वाइफ फॉर इज ओन शेक है ना किसी भी हजबेंड को उसकी वाइफ अपने मतलब के लिए आ, प्यार नहीं करती अपने मतलब के लिए पसंद नहीं करती बट इट इज ऑल फॉर द शेक ऑफ सेल्फ है ना बल्कि वो खुद के लिए उसको प्यार करती है है ना मतलब ऐसा नहीं कि वही कुछ और चीज था बस वाइफ को अपने खुद के लिए वो अपने बारे में सोचती है इसीलिए उससे प्यार करती है है no ना कोई भी बेटा अपने कोई भी एक पापा अपने बेटे को प्यार करते हैं तो अपने लिए नहीं करते मतलब उसके लिए नहीं करते वो अपने लिए करते हैं है ना मतलब समझिए ना एक फादर है और एक बेटा है है ना समझिए अब जो है फादर जो है वो बेटे को प्यार कर रहे हैं उसके बेटे के लिए नहीं कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा इसी कर रहा है बट इट इज ऑल फॉर द सेम डियर टू हिम है ना वो सिर्फ सिर्फ खुद के लिए।, कि मेरा बेटा है लिए प्यार कर रहा है तो पड़ोसी के बेटे से भी उतना ही प्यार करतेज राहुल इंटरवीनड है ना अब वहीं पे गुरु जी बता रहे थे तब तक राहुल बीच में इंटरवीन करता है, है ना बीच में आता है रोकता है गुरु जी को और बोलता है सर इन माई केस बोथ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ लव मी सो डियरली फॉर माई ओन शेख है ना दैट आई आई एम डिलेड बाई अ फ्यू मिनिट्स इन रीचिंग होम दे गेट हाईली एजुटेटेड एंड इफ समथिंग है बोलते हैं गुरु जी को कि सर सुनिए रुक जाइए पहले मेरी बात सुनिए क्या हुआ है मेरे जो uh, वो है uh, एक सेकेंड बोथ माई पेरेंट्स एंड माई वाइफ लव मी सो डियरली वो कहता है राहुल कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स है और मेरी वाइफ है सब लोग मुझे मेरे ही लिए प्यार करते हैं अपने लिए प्यार नहीं करते हैं। अगर मुझे घर लौटने में लेट हो जाता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वो सब लोग मर जाएंगे है ना गुरु जी सेड यू शैल लर्न द ट्रूथ ऑफ इट टूम है ना तुम इसका जो सच है ना वो तुम्हें कल कल तुम सीख जाओगे है ना

तो बोलते हैं आज तुम सोने से पहले ना ये लो एक औषधि है ये तुम पाउडर खाकर सो जाना ठीक है स्वेलो मतलब कहते हैं ना घोट जाना निकल जाना है ना एज lie, lie, lie as if डेड tomorrow मॉर्निंग जैसे इसको तुम स्वेलो करोगे ना सुबह जब उठोगे तो उठ उठोगे नहीं तुम सबको लगेगा कि तुम मर चुके हो है ना बट यू विल बी एबल टू हियर सभी लोग बड़ा हुआ सोचेंगे लेकिन तुम सुन पाओगे कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं वहां पे आफ्टर अ फ्यू आवर्स वेन द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन वियर्स ऑफ यू विल बिकम नॉर्मल एंड गेटअप है ना यूल सी दन दन है ना कहने का मतलब है

फुल ऑफ वॉटर एंड सेड आई शेल ड्रॉ आउट ऑल द बैडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सन टू दिसु आते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे एक पानी से भरा हुआ एक बर्तन दो जिसमें मैं जिसने भी इसे मारा है जो भी रीजन है वो सारे रीजन में डाल दूंगा उस पानी के अंदर में वन ऑफ यू आप में से कोई भी एक विल हैव टू ड्रिंक दिस वॉटर आप में से किसी भी एक को ये पानी पीना होगा वॉटर है ना विल डाईटली जो उस पानी को पिएगा वो तुरंत मर जाएगा जीवित हो जाएगा ठीक है मतलब राहुल का कष्ट उसने ले लिया पानी जो पिएगा वो वो मर जाएगा और राहुल जो है वो जीवित हो जाएगा टेलमी हुपेयर टू डाई फॉर हिम अब बताओ मुझे आप में से कौन ऐसा है जो राहुल के लिए मरना चाहेगाव एनी बडी टू हेल्प है ना कह रहा है उसके पेरेंट्स बना कर देते हैं ये बोल के कि देखिए हम दोनों तो बूढ़े हैं मैं भी बूढ़ा हूँ मेरी वाइफ भी बूढ़ी है है ना तो अगर हमें से कोई एक मर गया तो दूसरा फिर कैसे हेल्प करेगा एक दूसरे की वो फिर वो भी मर जाएगा फिर तो सो आर ड्रिंकिंग द वॉटर इज आउट ऑफ क्वेश्चन सवाल ही खड़ा नहीं होता कि मैं हम लोग में इसको पिएगा राहुल यंग वाइफ ऑल्सो सेट राहुल की वाइफ जो थी वो कहती है आई एम वेरी यंग मैं बहुत ही अभी हूँ ऑफ दिस वर्ल्ड येट मैंने दुनिया भी देखी भी नहीं है है ना वेन सच ओल्ड पीपल हुन लाइफ इन इट्स फुलनेस डू नॉट वॉन्ट टू डाई हाउ केन यू एक्सपेक्ट मी टू वॉलंटियर फॉर डेथ है ना कहता है कि भाई अगर ये बूढ़े लोग नहीं बूढ़े लोग जो पूरी लाइफ देख चुके हैं अपनी वो भी मरने को रेडी नहीं है तो आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं मरना चाहूंगी ब्राइटर आइडिया फ्लैश इन टू माइंड इफ द फैट हर समझिएगा गुरु जी सर यू आर हैव नो रिलेटिव टू मोर्न योर डेथ बोलते हैं क्या कि भाई गुरु जी आप ही हैं जैसे कोई रिलेटिव नहीं है कोई आपके डेथ पे रोने वाला नहीं है वाई डोंट यू ड्रिंक द वॉटर योर सेल्फ यूक्ट यूर फ्यून फ्यूनरल इन अ ग्रैंड मैनर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही पी लेते हैं और वो राहुल जिंदा हो जाएगा जीवित हो जाएगा और हम लोग आपका फ्यूनरल बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे ठीक है बात समझ आई सभी को ये थी काफी शानदार स्टोरी अब आते हैं थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर पर आंसर कीजिए इसका

राहुल की जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग अपनी फैमिली को लेकर क्या गुरु के पास कोई मेरा पावर नहीं था इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता यहाँ पे द गुरु डिड नॉट है ना क्या उसमें नॉलेज नहीं था स्क्रिप्चर्स का ये भी नहीं होगा तो आंसर क्या मिलता है ओपरेशन जो लिखा है वो सही लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ठीक है हाफ स्टोरी नहीं है ये ये अंडरस्टैंडिंग वाली स्टोरी है बाकी चीज आप खुद समझ जाओ फोर्टी आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग एज पर द दुरुज प्लान राहुल रियलाइज अब देखिए राहुल अब गुरु जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था राहुल क्या रियलाइज किया बताइए फर्स्ट हिज पेरेंट्स वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सेक क्या पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी करेंगे क्या ये रियलाइज किया वो हिज वाइफ वुड रेडिली फॉर हिज वेलफेयर क्या उसकी वाइफ अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी उसके उसके खुशियों के लिए गुरु तो ये तो नहीं सीखा ये भी नहीं सीखा क्या गुरु का जो प्रोडिक्शन था क्या वो रॉन्ग हो गया गलत साबित हुआ तो नहीं वन लव्ड वन सेल्फ मोर देन वन लव एनी वन एल्स है ना कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा प्यार करता है दूसरों के कंपेरेटिवली है ना यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ये एकदम सही है अब देखिए आते हैं फोर्टी वन में वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉज द एसेंस ऑफ द उपनिषद पैसेज है ना उपनिषद का जो पैसेज था जो पढ़ रहे थे गुरु जी उसका सार क्या था थीम क्या था बताइए सभी लोग पढ़िए और मुझे बताइए यहां से थीम कौन सा है उसमें फादर्स फॉर द सेक ऑफ देम क्या फादर अगर किसी सन को प्यार करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं रिलेटिव आर डियर टू अस बिकॉज वी लव दम रिलेटिव हमें पसंद होते हैं क्योंकि हम लोग उनको प्यार करते हैं मोस्ट ह्यूमन बींग याद रखिएगा पैसेज का थीम पूछ रहा है थीम क्या था मोस्ट ह्यूमन बींग बींग्स आर नॉट सेल्फिश ज्यादातर ह्यूमन बींग सेल्फिश नहीं होते हैं एवरी पर्सन एक्शन आर टू ग्रेटिफाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ हर एक पर्सन का जो एक्शन है ना वो उसके खुद को खुद की कैरेक्टर को दिखाता है पता ही क्या आंसर होगा इन सब में उपनिषद का जो पैसेस था उसमें ये बात क्लियर की गई थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जो माँ बाप होते हैं ना बच्चे को प्यार करते हैं तो अपने लिए प्यार करते हैं उस बच्चे के लिए नहीं उसी तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जाता है उसके अकॉर्डिंग कि सन्स आर लवर फादर्स फॉर द सेक ऑफ दे अपने खुद के लिए प्यार करते हैं वो है ना बाकी चीजें गलत हो जाएंगी फोर्टी टू में आइए द गुरु वॉन्टेड जार ऑफ वॉटर टू ड्रिंक ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क में लीजिएगा क्योंकि वर्ड इसमें है नहीं वर्ड्स नहीं है इसलिए मैं दोनों का आंसर आपसे मांगूंगा होमवर्क में कमेंट बॉक्स में ठीक है एवरीवन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग इसका आंसर करेंगे और अगर आप लोगों को स्टोरी फिर से पढ़नी हो तो आप लोग वापस से टाइम में जाएंगे पीछे और इस वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा ठीक है एवरीवन चलिए तो इस क्लास को में करता हूं, मिलूंगा सभी से नेक्स्ट क्लास में और क्या आप लोगों के बीच बातें चल रही थी कि के जी ओमी फॉर्म को लेकर तो वो भी मैं आपको कल इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा ठीक है एवरीवन चलिए इस क्लास में ओवर करता हूं मिलूंगा सभी से नेक्स्ट क्लास में तब तो तक तो के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ अपना ध्यान रखिए योगेंद्र अपना भी ध्यान रखिए आप अच्छे से रेडी हो, ठीक हो जाइए जल्दी से और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जय हिंद